गोरखाली महिला कल्याण समिति के तत्वाधान में हरितालिका तीज हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ हाईवे स्थित श्याम सुंदर भवन में मनाया गया। गोरखाली समाज की महिलाएं एवं बच्चों ने हरितालिका तीज महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में समा बांधा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि इंजीनियर विष्णु प्रसाद बराल ने हरितालिका तीज की बधाई देते हुए कहा कि संस्कृति, कला एवं परंपराओं को दर्शाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल देश की मित्रता पूर्व से चली आ रही है, रोटी बेटी का रिश्ता दोनों देश निभाते चले आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल संस्कृति परंपराओं का संदेश समाज को देती है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है, बेटियों के संरक्षण संवर्धन में सभी को मिलजुल कर प्रयास करने होंगे। विष्णु प्रसाद बराल ने कहा कि बेटियों की शिक्षा के लिए समान अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। संरक्षक डॉक्टर पद्म प्रसाद सुवेदी ने कहा कि हरितालिका तीज महिला सशक्तिकरण को भी दर्शाने का माध्यम है, महिलाओं को भारतीय परंपराओं में देवी का दर्जा दिया गया है। प्रतिवर्ष नेपाली समाज के लोग हरितालिका तीज में मिलजुल कर एक दूसरे को बधाई देते हुए खुशियां बांटते हैं। ये बहुत ही मतलब धूमधाम से मनाने वाला पर्व है। हम महिलाएं इसे निर्जला रख के गौरी शंकर की पूजा करके हम पूरे अपने पति के लिए ये व्रत करती हैं और इसे हम बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस वर्ष भी हमारा ये तीज का व्रत 6 सितंबर को है, पर 6 सितंबर को सब प्रोग्राम करना समय नहीं होने के कारण हम इसे थोड़ा पहले ही करते हैं, जिससे कि सब एकत्र होके नाच गान करके इसको एक उत्सव की तरह मनाते हैं। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर ओटी इमरजेंसी आईसीयू पीआईसीयू एनआईसीयू सभी प्रकार के सिटी स्कैन एक्सरे अल्ट्रासाउंड अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब प्राइवेट एवं जनरल वार्ड डीलक्स रूम महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा आंखों का ऑपरेशन दांतों का उपचार सभी प्रकार के ऑपरेशन उचित दर पर दवाइयाँ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।